डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो मेथड किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब हम तीसरे मेथड की जानी पड़ते हैं उसको फाइंड करने का, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, जिसमें हम ए बी सी यानी उसके अंदर मौजूद कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को फिल करते हैं और फिर उसके हम रूट्स जो हैं इक्वेशन के फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करने से पहले उसकी एक फॉर्म है वो आपको बताते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट एम टू ए। यहाँ पर हम b की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ भी b की वैल्यू को पुट किया जाएगा, यहाँ पर c की वैल्यू और a की वैल्यू को दर्ज किया जाएगा। फिर यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट हमेशा रहेगा और इसके साथ हम a की वैल्यू को भी पुट करेंगे और इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करें। तो इसके लिए जो हमारे पास बोर्ड की बुक है उसके अंदर सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस 25/4 इज इक्वल टू 9x 25/2। तो ये हमारे पास एक सवाल दिया गया है जिसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले वही तरीकाकार की ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे, इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर तीन तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू इसका एलसीएम आया हमारे पास 4, ये बन जाएगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे 2 और ये बन जाएगा 18x माइनस 25। तो फिर जो है आप इसको तीन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका फिर से एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस जो है वो अंदर वाले प्लस को माइनस में तब्दील कर देगी और ये 75 बन जाएगा और इन दोनों के बटे में भी हमारे पास 4 होगा। अगर हम इसके अंदर ब्रैकेट लगाएंगे तो इसको प्लस में चेंज कर देंगे, वरना अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो हम इसको प्लस में ही लिखेंगे। तो इसको भी आज ऐसे ही रहने दीजिए, 18x माइनस 25/2। अब जो है इन दोनों रकमों का आप एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा 4 और ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि इसके बटे में 1 है, ये 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये माइनस 12x और ये माइनस जो है वो जब ब्रैकेट खत्म की जाएगी अंदर वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस की तब्दील हो जाएगी। माइनस 75 इज इक्वल टू 18x माइनस 25/2। अब आपने क्या करना है कि ये 4 जो है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 2 को इधर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ वो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 2 को उठाकर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 जो है वो इधर से खत्म हो जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा। अब ये इससे भी खत्म करने के बाद ये जो 2 बचेगा हमारे पास, ये उठाकर उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 जो वो 36 हो जाएगा और 25 ज़रा 2 जो होता है वो 50 के समान आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 75। अब आपने इसको तरतीब करना है। अब ये 36x इस तरफ जमा कर इधर लाकर माइनस कर देंगे, ये माइनस के 50 है, इस तरफ लेके आने को जमा के 50 बन जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 30x 6x माइनस 75 माइनस जो इधर 50 थे उधर आकर प्लस में चेंज हो जाएंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मजीद आप शॉर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर 12 और 36 ये बन जाते हैं 48x और माइनस के 75 है जमा के 50 है तो माइनस के आपके पास 25 बच जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपने ये वैल्यूज उठा के क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है। तो मैं फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस b। तो b यहाँ पर जो वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट, इसको हम a कहते हैं और यहाँ पर अलामत के साथ जो वैल्यू होगी उसको हम b कहेंगे और यहाँ पर जो भी वैल्यू अलामत के साथ दी गई होगी वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो उसको हम c कॉन्स्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी माइनस b माइनस 48 माइनस 48 हमारे पास आगे प्लस माइनस इंटू b की वैल्यू वही माइनस 48 इधर आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a, a की वैल्यू हमारे पास 4 है वो दर्ज कर देंगे, इंटू c, c हमारे पास है माइनस 25 वो आप इसमें दर्ज करेंगे और ये इसके साथ लिखा जाएगा और बटे में 2a, a हमारे पास मौजूद है 4 फिर आप दर्ज करेंगे। इसको हम शॉर्ट करेंगे, माइनस और माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद,
तो आप इसको जमा के 48 लिख सकते हैं माइनस, और ये 48 का स्केयर जो है वो आपने ओपन करना है, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये माइनस और माइनस ये प्लस में चेंज करके चाहे चेंज करना है, और फिर इसकी वैल्यूज को लिखना है। नीचे हमारे पास 8 48 का जो स्केयर है वो हमारे पास बनता है 304, और माइनस में प्लस में चेंज हो गए, और इसकी वैल्यू बनती 400। और अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को जमा करना है। जमा करने के बाद इसकी आपने जजर ले लेनी है प्लस माइनस, और इसको हम बनाएंगे 2704 की आपने क्या करना है, जजर लेनी है, और बटे में हमारे पास आ रहा है 8। अब आपने क्या करना है, इनकी जजर के बाद इन दोनों को आपस में प्लस माइनस भी करना है एक मरतबा, जहाँ पर हमारे साथ साथ एक्स भी लिखा आ रहा है। तो तरतीब में 2704 का जो जजर आता है वो 52 होता है प्लस माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 52/8। एक मरतबा जो है वो आप एक्स इज इक्वल टू 48 + 52/8 आप लगाएंगे, जबकि सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 48 - 52/8 दर्ज करेंगे। 48 + 50 100 बनते हैं, और 100/8 कर देंगे, और इसको आपने मजीद शॉर्ट कर देना है 2 पर तकसीम करने के बाद, तो 50/4 बचता है। आप इसको मजीद करेंगे तो वो 25/2 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास 4/8 आएगा, इसको मजीद शॉर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन रहा है, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं 25/2 और 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसकी सॉल्यूशन सेट को फाइंड कर लेना है, और ये वैल्यूज आपने जो फाइंड की हैं वो आपका आंसर कह रहा है। ये है आपके पास सॉल्यूशन सेट इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हमने जो फाइंड किया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के तीसरे क्वेश्चन की जाने जा रहे थे, जिसमें से एक हमने मिसाल के तौर पर कर भी लिया है। अब हम एक और क्वेश्चन उसी तरफ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे, जिसकी हमारे पास वैल्यू कुछ यूं है x² + m - n (x - 2)(m - n)² = 0। ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर कंसिडर क्या होगा, 1। और यहाँ पर b के साथ, यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन थी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो b कहलाएगी, और यहाँ पर जो भी वैल्यू हो c कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, -(m - n) + -b² (m - n)² - 4 a, a की हमारे पास वैल्यू 1, और c हमारे पास है -2 × अब आप यहाँ पर दरमियानी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, -2 × m - n² और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आप दरमियान वाली ब्रैकेट जो है क्लोज करेंगे, तो आप इसको यूँ लिखेंगे, और इसके ऊपर जजर ओवर 2a, 2 × a हमारे पास वैल्यू 1 का होगा। आपने इसको मजीद शॉर्ट करना है -(m - n) + -, इसका आप स्केयर ओपन कर देना, वो आ जाएगा m² + n² - 2mn। यहाँ पर माइनस और ये वाला माइनस आप मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस में तब्दील हो जाएगा, 4 × 2 कर दे तो वो 8 बन जाता है, इसका आपने स्केयर ओपन कर देना, तो वो बन जाएगा m² + n² - 2mn, और ये इसके ऊपर जजर, और बटे में हमारे पास आ रहा है 2a। अब अपने मजीद इसको शॉर्ट करने हैं m - n (+-), इसका आपने तरतीब करते हुए लिखने हैं m² + n² - 2mn, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8m² + 8n² - 16mn, और इसके ऊपर ये वाली जदर आ जाएगी, बटे में हमारे पास 2 मौजूद है। यहाँ पर अब हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है उसको हम मजीद शॉर्ट करेंगे, m - n (+-), प्लस का m है और ये 8 के प्लस है, और ये बन जाएगा 9m² ये प्लस का n है और ये 8n² जो प्लस के, ये बन जाएगा 9n² मनफी के 2mn और ये 16 जो है वो मनफी के हैं, 16 और ये 2 जो है वो आपस में जमा होगी, क्या बन जाएगी 18mn, और इसके ऊपर ये जजर आ जाएगी, बटे में हमारे पास 2 बच जाएगा। अब क्या करते हैं कि अब फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ये फार्मूला बन रहा है 3m² + 3n² और ये बाकी फार्मूला, जैसे कि हम लिखते हैं a - b² लिखते हैं, आप लिखेंगे -m - n (+-), इसको आप फार्मूला बना देंगे 3m (1)(3n)² और ऊपर ये जजर और बटे में हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये स्केयर जो है वो जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी वैल्यूज बचेगी आप उसको प्लस माइनस में एक दफा लिख लेंगे। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखें
ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है x इज इक्वल टू माइनस एम माइनस एन प्लस, अब हम एक मतलब इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा नेगेटिव में, 3m माइनस 3n और ये ब्रैकेट में लिखेंगे आप और बटन में आप दो लिखेंगे और एक मतलब आप इसको नेगेटिव सूरत में लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एम माइनस एन, आप माइनस लिखेंगे जबकि वहाँ पर आपने पॉजिटिव लिखा हुआ है तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा 3m मंथली 3n और बटन में हमारे पास आएगा 2। अब आपने इसको मज़ीद शॉर्ट करना है जल्दी से, ये बन जाएगा माइनस एम या इसको ऐसे ही रहने दें एम माइनस एन, ये प्लस या आप इसकी ब्रैकेट को ख़त्म ही कर दें तो बेहतर ही है, माइनस एम प्लस एम प्लस 3m मंथली 3n ओवर 2, ये जब वहाँ के 3m है इसमें से माइनस का एक ले जाएंगे तो हमारे पास 2m बच जाएंगे, ये प्लस का n है ये मंथली के 3m है तो हमारे पास मंथली के 2m बच जाएंगे, बटे में 2 ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n बच जाएगा और बटे में 2 से कैंसिल। तो आपने x का एक ये रूट फाइंड कर लिया है, सेकेंड आप इधर करेंगे मंथली m माइनस माइनस प्लस m मंथली और ये अलाम तक भी बदल जाएगी, मंथली का 3m और ये मंथली मंथली प्लस में तब्दील हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस के 3m बटे में 2 हो जाएगा। तो मंथली के 3m मंथली के m से जमा होकर क्या बन जाएंगे मंथली के 4m, ये प्लस के n है ये प्लस के 3n है तो ये भी बन जाएंगे 4n बटे में 2 बन जाएगा। ऊपर से आप जो है वो माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास m माइनस n बच जाएगा और बटे में हमारे पास 2 बचेगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके मंथली में तब्दील कर देगा, मंथली का 2 इंटू m माइनस n और इस तरह से हमारे पास x का दूसरा रूट जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब आपने इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेना है कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है, एम माइनस एन और मनफी 2 इंटू एम माइनस एन और ये आपका सॉल्यूशन सेट है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट से 3 तरीके, पहला जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं, सेकेंड जिसमें हम स्केयर कंप्लीटिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं, थर्ड जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की क्वायरी हो किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं करनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।